दोस्तों, माना जाता है कि नाग महादेव का एक अंश होते हैं। सदियों पहले नाग और मनुष्य एक साथ ही रहते थे। ना ही मनुष्य को नाग से कोई भय था और ना ही नाग को मनुष्य से कोई भय था। प्राचीन काल में कुछ सांप इतने विशाल थे कि बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लेते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनका आकार छोटा होता गया। जो आज प्राचीन काल में इतने पूजनीय थे, वही आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अब जब भी कहीं लोगों को कोई सांप दिखता है तो लोग उन्हें वहीं मार देते हैं। ऐसा माना गया है कि आज भी कुछ गुप्त जगहों पर ऐसे 5 फन वाले नाग दिखाई देते हैं। कई बार यह नाग अचानक प्रकट हो जाते हैं और कई बार गायब हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये घटना लगभग आज से 25 साल पहले की है। पटना बिहार के फुलवारी गांव में सुलेखा नाम की एक महिला रहती थी। सुलेखा बहुत ही संस्कारी और भगवान पर आस्था रखने वाली थी। वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो 5 साल की थी, तभी से उसका पूजा पाठ में बड़ा मन लगने लगा था। सुलेखा अपनी दादी के साथ प्रतिदिन शिव मंदिर जाया करती थी और शिवलिंग की पूजा करना उनका नियम था। लेकिन एक बार सुलेखा को शिव जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुलेखा के पास कुछ ऐसे मंत्र थे जिससे वो लोगों को पल भर में ठीक कर देती थी। जब धीरे धीरे गांव वालों को इस बारे में पता चला तो सभी सुलेखा के पास अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए जाने लगे। सुलेखा में ऐसी अलौकिक शक्तियां कहां से आई थीं, ये कोई नहीं जानता था। बहुत पूछने के बाद सुलेखा ने बताया, एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी उन्होंने आकाश में बादलों में बड़ी अजीब सी हलचल देखी। बादल बहुत तेजी से अपना आकार बदल रहे थे। उन्हें वो नज़ारा बहुत ही अजीब लग रहा था। थोड़ी देर वो वहीं खड़ी होकर बादलों को देखती रही, तभी उन्हें आकाश में एक विशाल काय सर्प जैसी आकृति दिखाई देती है। ऐसा दृश्य देखते ही वो बहुत ही अचंभित हुई और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगी। उन्होंने जैसे ही अपने परिवार वालों को ये दृश्य दिखाने के लिए बुलाया, तब तक बादल ने अपना रूप बदल लिया था और नाग की आकृति गायब हो गई। सभी को लगा कि सुलेखा दादी बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हैं। लेकिन सुलेखा को पता था कि उन्होंने क्या देखा है और वो कोई भ्रम नहीं था। जब सुलेखा रात में गहरी नींद में थी, तभी उन्हें एक अजीब सा स्वप्न दिखा। उनके स्वप्न में उन्हें एक नाग के दर्शन हुए। 5 फन वाले नाग ने उन्हें मंदिर में दूध लेकर आने को कहा। इतने में उनकी आंख खुल गई और वो रात भर जग कर उस स्वप्न के बारे में सोचने लगी। सुबह होते ही सुलेखा दूध लेकर शिव जी के मंदिर में गई और वहां पर कोई भी नहीं था। मंदिर में जाते ही सुलेखा देखती है कि शिवलिंग पर एक 5 फन वाला नाग बैठा हुआ है जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुलेखा ने नाग को प्रणाम किया और उन्हें दूध अर्पण किया। नाग देवता ने उस दूध का सेवन किया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि शिव जी तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न है और मृत्यु के पश्चात तुम्हें कैलाश में स्थान मिलेगा। ये सुनते ही सुलेखा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने इस बात का जिक्र अपने घर वालों से भी किया, लेकिन कोई भी सुलेखा की बातों पर यकीन नहीं करता था। कुछ समय बाद जब सुलेखा की मृत्यु हुई तो सभी ने एक अलग ही चमत्कार देखा। सुलेखा के अंतिम संस्कार के समय उस स्थान पर कई नाग चारों तरफ से उस शव को घेर कर खड़े थे। ये दृश्य देखते ही सबको समझ में आ चुका था कि उनकी दादी सच कह रही थी और वे सभी खुश हैं कि अब उनकी दादी महादेव के कैलाश में निवास कर रही हैं। जब भक्त शिव जी की भक्ति में डूब जाता है तो महादेव खुद उसे दर्शन देने आते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। हर हर महादेव।